Hi to all the students and a very welcome back. So it's been a long time, a little long time since I taught you about garden features. So today in this topic I'll be teaching you about garden principles. These principles are important to follow when we have to design a garden. So let us start first of all with a look at what are the main garden principles that we have to consider. So garden principles are mainly unity, space, division, scale, time and light, shade, texture, tone and color, movement and style. So the first option that has been kept here is the first approach. So this is like a set of principles, a set of general principles that I'll be explaining you when you have to lay down a garden. तो main जो garden principles है वो actually unity से start होता है, but जो first approach का point है वो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कुछ like general principles involve होते हैं जो आप follow कर सकते हैं और करना चाहिए garden designing के लिए, right? So we start first of all with the first approach part, right? So principle one is that ideal site size and shape of garden might not be available always, so use what is available. तो ideal site, अगर आपको अपने पहले lawn का video lecture देखा हो तो उसमें आपको ideal site के बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने, राइट? आइडियल साइट इज़ वेयर द स्पेस शुड बी सनी इनफ, सनलाइट अच्छी आनी चाहिए, राइट? ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? सो एंड समटाइम्स व्हाट साइज एंड शेप वी रिक्वायर वी माइट नॉट हैव इन दैट एरिया, राइट? सो अगर आइडियल साइट अवेलेबल नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ व्हाट एवर इज़ अवेलेबल टू अस. मतलब मेरे पास आइडियल साइट नहीं है तो भी मेरे पास जो एरिया है मुझे उस एरिया को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो एरिया उसका बेस्ट फॉर्म में हो, राइट? और जब कोई उस गार्डन को देखे तो उसे रियलाइज ही ना हो कि दिस इज़ नॉट एन आइडियल साइट, राइट? So use whatever is available to you at its best. Principle two is that do not rush into elaborate plans. Keep local ecology, local trees and flora in mind. So what happens many times is that हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाते हैं जो ज़रूरी नहीं है, राइट? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ का, इंडिया का फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट है. अब वहाँ की इकोलॉजी को ध्यान में रख के मुझे वहाँ के लोकल ट्रीज़ जो है वो एक्चुअली गार्डन में रखने चाहिए, राइट? बट अगर मैं उस एरिया में टेम्परेट रीजन का, कोई कोल्ड रीजन का ट्री लेकर आऊँ और उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँ तो दैट विल नॉट हैपन. एंड हो भी गया तो भी इट वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, राइट? क्योंकि टेम्परेट या कोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे ट्रीज़ लाइक फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको मैं 40-50 डिग्री सेल्सियस में लेकर आऊँगी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अप अ गुड गार्डन. सो जब भी आप गार्डन बनाते हो तो वहाँ की लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखना है, वहाँ के लोकल ट्रीज़, मतलब उस एरिया के, उस पर्टिकुलर कंट्री के, उस पर्टिकुलर जगह के लोकल ट्रीज़ क्या है वो ध्यान में रखना है और उनको गार्डन को बनाने में यूज़ करना है. देन प्रिंसिपल थ्री इज़ फर्स्ट डिफाइन द शेप ऑफ द प्लॉट. तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो जो जगह पे आपको गार्डन बनाना है उसके प्लॉट का शेप डिफाइन करो, राइट? तो क्योंकि अगर आपके पास शेप होगा तो आप आगे का प्लान कर पाएंगे. प्रिंसिपल फोर सेज दैट स्टाइल एंड लेआउट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल एंड फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग.
अब गार्डन जो है मैं किस टाइप के बिल्डिंग के आसपास बना रही हूँ उस पे डिपेंड करता है। तो मेरे बिल्डिंग का स्टाइल क्या है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है, स्क्वायर में है, वर्टिकल है, राइट? और बिल्डिंग का फंक्शन क्या है, बिल्डिंग स्कूल है, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई लाइब्रेरी है, राइट? या फिर मेरा या फिर अपना खुद का घर है, हाउस है, राइट? छोटा घर है, बड़ा घर है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, स्टाइल एंड लेआउट इज डन। तो गार्डन का स्टाइल और लेआउट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बिल्डिंग का स्टाइल और फंक्शन क्या है। प्रिंसिपल 5 सेज दैट अ गार्डन शुड हैव सेवरल पर्पजेज, एवरी गार्डन फीचर्स नीड टू हैव एटलीस्ट टू पर्पज। अब इस प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी गार्डन हो उसके कुछ पर्पज होना चाहिए, मतलब इट शुड सर्व सम इम्पॉर्टेंट पर्पज। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गार्डन है तो पब्लिक गार्डन ऐसे ही नहीं बना दिया है, उसका पर्पज़ है, पीपल कम देयर फॉर अ वॉक, पीपल कम देयर टू गेट पीस, राइट? चिल्ड्रंस कम देयर टू प्ले, सो देयर कुड बी अ प्लेइंग एरिया, राइट? सो देर आर सेवरल पर्पजेज दैट अ गार्डन शुड सर्व एंड एवरी गार्डन फीचर नीड टू हैव एटलीस्ट टू पर्पज। और आप जो भी गार्डन फीचर अपने गार्डन में यूज़ करते हो उसके दो पर्पज़ तो कम से कम होने ही चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेज यूज़ करती हूँ गार्डन में, तो हेज का दो पर्पज़ तो होना ही चाहिए। एक तो ये कि हेज जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, एक प्राइवेसी का काम करता है, राइट? और दूसरा एक बाउंड्री वॉल बनाता है जो बाहर के पेवमेंट से जो पाथ है पाथ को गार्डन से सेपरेट करता है, राइट? सो लाइक दैट हेज के दो पर्पज़ हो सकते हैं, ठीक है? वैसे ही पाथ है, पाथ का भी दो पर्पज़ हो सकता है। एक तो ये कि उसको हम गार्डन के बीच में से वॉक कर सके इसलिए पाथ बनाते हैं, और दूसरा ये कि लोग ज़्यादा गार्डन में डिस्टर्बेंस ना करें, गार्डन में ज़्यादा चले ना, और लॉन जो है वो डिस्टर्ब हुए बिना लोग उसमें से वॉक करें, इसलिए भी पाथ होता है। तो हर एक गार्डन फीचर जो है उसका दो पर्पस तो होना ही चाहिए। देन प्रिंसिपल 6, होल लेआउट शुड एम्फसाइज द व्यू ऑफ द गार्डन। अब आपका जो पूरा लेआउट है उसका गोल क्या होना चाहिए कि गार्डन का व्यू कैसा है। तो आप जो भी लेआउट करो उसका मेन एम्फसिस ये होना चाहिए कि आपका गार्डन देखने में कैसा है। प्रिंसिपल 7 सेज दैट लिविंग ऑब्जेक्ट्स फाइनल अपीयरेंस ऑलवेज रिमेन्स इनएक्यूरेट। सो लिविंग ऑब्जेक्ट्स फाइनल अपीयरेंस मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट मैंने गार्डन में रखा, राइट? उसका फाइनल अपीयरेंस तो हमेशा इनएक्यूरेट ही होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि फाइनल अपीयरेंस क्या होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने एक नेरियम प्लांट अगर गार्डन में प्लेस किया है, ठीक है, तो उसका जो अपीयरेंस है वो धीरे धीरे बड़ा होगा। फर्स्ट ईयर में उसका अपीयरेंस थोड़ा छोटा होगा, फिर देन इट विल इंक्रीज इन साइज एंड लाइक दैट विद पासिंग ईयर्स उसका अपीयरेंस चेंज होता जाएगा। तो उसका फाइनल अपीयरेंस हमेशा इनएक्यूरेट होता है, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट बाद में फाइनल अपीयरेंस जब आ जाए तो उसके बाद हम कुछ भी ट्रिमिंग करके उसको शेप दे सकते हैं, राइट? बट फाइनल अपीयरेंस हमेशा किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट का इनएक्यूरेट होता है। इवन आप ट्रिमिंग कर दो उसके बाद भी लिविंग ऑब्जेक्ट तो ग्रो करता रहता है, तो उसका अपीयरेंस विल ऑलवेज चेंज। देन प्रिंसिपल 8 सेज दैट गार्डन प्लांट शुड बी स्केलेटल दैट इज एडेप्टेबल। तो आपका जो भी आप गार्डन प्लान बनाते हो वो स्केलेटल होना चाहिए, मतलब आप ऑन पेपर जो भी प्लान बनाते हो वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको उसमें कुछ दो तीन अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं और वो आप अपने गार्डन प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, देन दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, राइट? तो अगर आपका प्लान लेकिन ऐसा है कि आपने एकदम फिक्स प्लान बना दिया है कि नहीं पॉन्ड तो यहीं पे आएगा, राइट, या तो लॉन तो यहाँ पे ही आएगा,
इस ट्री को तो मैं यहीं पे रखूँगा, राइट? सो देन योर प्लान इज़ नॉट स्केलेटल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेटअप समथिंग इन योर माइंड. सो मेक योर वॉट एवर द प्लान टू बी स्केलेटल. तो आपका माइंड भी थोड़ा ऐसा रखो कि आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सको, और आपका प्लान भी ऐसा बनाओ कि उसमें चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो सके, राइट? प्रिंसिपल 9 इज़ दैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ ट्रू एंड एक्यूरेट आई. मतलब आपको एक अच्छा गार्डन बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ डिज़ाइनर यू हैव अ ट्रू एंड एक्यूरेट आई. मतलब देर इज़ ऐसा कुछ सेट रूल्स नहीं होता है, पर क्या चाहिए हमें, हमें अपनी अपना जो देखने का नज़रिया है वो डेवलप करना है, राइट? तो एवरी पर्सन कैन नॉट डिज़ाइन अ गार्डन, सो यू हैव टू डेवलप एन आई विच शोज़ यू हाउ टू मेक अ गार्डन, राइट? विच एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए तो ये गार्डन अच्छा लगेगा, राइट? प्रिंसिपल 10 सेज दैट मेजर मिस्टेक इन बिगनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गार्डन बनाने की शुरुआत में हमने कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया जो बहुत बड़ा है, मेजर है, और फिर आप उसको बाद में चेंज करने की के बारे में सोचोगे, देन ऑल्सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि आपका जो मेन पाथ है गार्डन का, उसके दोनों तरफ आपने फ्रूट ट्रीज लगा दिए, ठीक है? तो फ्रूट ट्रीज़ क्या होगा, जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो फ्रूट देना स्टार्ट कर देंगे, और फ्रूट जो है वो पाथ पे गिरेगा, ठीक है? और पाथ जो है वो मैसी और स्टिकी हो जाएगा, राइट? एंड दैट विल नॉट लुक गुड एक्चुअली, बिकॉज द पर्पज़ ऑफ योर गार्डन वॉज नॉट टू गिव फ्रूट ट्रीज, और इट वॉज़ ओनली फॉर एस्थेटिक्स, राइट? सो ये आपका एक मेजर मिस्टेक हो गया. अब आप जब पाथ को मैसी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ चेंज करनी है. बट नाउ सी, जब आपने इतने सारे ट्रीज ग्रो कर दिए हैं, राइट, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव दैट ट्री फ्रॉम दैट प्लेस, राइट, एंड कीप इट समवेयर एल्स. सो दैट इज़ योर मेजर मिस्टेक एंड इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई दैट. माइनर मिस्टेक्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल. माइनर मिस्टेक्स तो शायद ऐसे होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं, बट मेजर मिस्टेक्स अगर हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. प्रिंसिपल 11 सेज दैट प्लॉट पाथ्स ड्राइव्स स्टेप्स एंड कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. मतलब आपका जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि नॉन लिविंग फीचर्स है, आपका पाथ है, ड्राइव है, स्टेप्स बनाने हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, वो सब पहले करो, उसके बाद ट्रीज बाद में प्लांट करो. सो प्लांट द ट्रीज लेटर. क्यों? क्योंकि एक बार आपका सब कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा, फिर यू हैव द शेप ऑफ द एरिया, यू हैव द एरिया जहाँ पे आप ट्रीज और लॉन्स वगैरह सब कर सकते हो, तो बाद में आप अकॉर्डिंग टू द एरिया वहाँ पे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं. प्रिंसिपल 12 सेज दैट डिज़ाइनर नीड टू यूज़ डिज़ाइन इन अ वे दैट ब्रिंग पीपल टू द गार्डन. तो एज अ डिज़ाइनर आपको अपना गार्डन का डिज़ाइन ऐसा करना है कि लोग खुद चल कर आए आपके गार्डन की तरफ. पीपल गेट अट्रैक्टेड टू योर गार्डन बाय देमसेल्व्स, राइट? सो डिज़ाइन इट इन अ वे. नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक ये गार्डन में तो कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं जाना, राइट? सो जो भी उस गार्डन से पास हो या जिसको भी किसी को गार्डन जाने की इच्छा हो, तो उन्हें सबसे पहले आपका गार्डन दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, मुझे तो इस गार्डन जाना है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द डिज़ाइनर्स क्रेडिट. डिज़ाइनर का क्रेडिट तब है जब लोग खुद उस गार्डन में चल कर आए, राइट? सो बेसिकली दीज आर सम जनरल प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू नो वाइल प्लानिंग अ गार्डन, वाइल डिज़ाइनिंग अ गार्डन. सो इट हैज़ बिन गिवन द नेम द फर्स्ट अप्रोच, राइट? बट नाउ द मेजर प्रिंसिपल्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिटी.
So the very first garden principle that we need to know is unity. So successful design is the total impression given. किसी भी गार्डन का सक्सेसफुल डिज़ाइन क्या होता है, जब उसका एक टोटल इम्प्रेशन आप पे परफेक्ट आए. ठीक है, जब आपका गार्डन कोई देखे तो उसको पहला इम्प्रेशन ये होना चाहिए कि कितना अच्छा गार्डन है. राइट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोनेंट पार्ट्स इज इम्पॉर्टेंट. और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गार्डन का हर एक फीचर का एक दूसरे से रिलेशन हो. So the credit to the garden should be what a lovely place, right? So आपके garden में जब कोई enter हो तो उनका पहला comment ये होना चाहिए कि wow, what a lovely place, कितना अच्छा garden है. ना कि ये कि कोई बहुत अच्छा fountain आपने बना दिया है अपने garden में, या तो फिर कोई बहुत 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 बड़ा अच्छा सा tree रख दिया है garden में. राइट, कोई एक फीचर आपने इतना अच्छा बनाया है कि आपका गार्डन जो है वो साइड में हो जा रहा है. राइट, तो कोई आकर ये कहे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फाउंटेन, देन दैट इज़ नॉट अ क्रेडिट फॉर द गार्डन. या तो कोई आके ये बोले कि वाओ व्हाट अ बिग ट्री या व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री, सो दैट इज़ नॉट अ क्रेडिट फॉर द गार्डन. द क्रेडिट फॉर द गार्डन इज दैट वन शुड सी अ गार्डन एज अ होल एंड इट शुड लुक लाइक अ यूनिटी. तो सबसे पहले कोई आए तो वो ये कमेंट करे कि वाओ कितना अच्छा गार्डन है. राइट, सो यूनिटी शुड बी बेसिकली इन थ्री वेज, दैट इज़ बिटवीन द हाउस और बिल्डिंग एंड द गार्डन. मतलब आपका जो भी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल घर है या तो स्कूल है, और जो आपका गार्डन है आसपास में, वो दोनों चीज़ के बीच में यूनिटी होनी चाहिए. मतलब बिल्डिंग और गार्डन के बीच में यूनिटी होनी चाहिए. बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑफ द गार्डन, मतलब आपके गार्डन में जितने भी कॉम्पोनेंट पार्ट्स है, लाइक एज है, हेज है, ट्रीज है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, राइट, पाथ है, वो सब का एक दूसरे से यूनिटी होना चाहिए. एंड बिटवीन द आउटर लैंडस्केप एंड द गार्डन, और बाहर का आपका जो लैंडस्केप है उसका अंदर के गार्डन के साथ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे गार्डन कंप्लीट होता है तो बाहर क्या है, आउटर लैंडस्केप क्या है, रोड है या फिर कोई और गार्डन है या फिर जस्ट प्लेग्राउंड है, तो वो बाहर के लैंडस्केप के साथ भी गार्डन का यूनिटी होना चाहिए. सो व्हेन यू हैव अ स्मॉल गार्डन, अ स्मॉल प्लेस, तो इन दैट टू गेट यूनिटी इज़ ऑलवेज सिंपल. तो स्मॉल गार्डन में यूनिटी क्रिएट करना हमेशा ईजी होता है, क्योंकि स्मॉल गार्डन में स्पेस कम होता है. तो आप वहाँ पे क्या रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन और उसके आसपास थोड़े प्लांट्स, राइट, तो वो यूनिटी का लुक ही देगा. बट अगर गार्डन लार्ज है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उसमें एक तो वाइड ओपन स्पेस होगा. अब उस स्पेस में आप बहुत सारे फीचर्स रखेंगे, हेज रखेंगे, एज रखेंगे, बहुत बड़ा होगा तो पॉन्ड भी रखेंगे, रॉकरी भी रखेंगे. तो ये जो इतने सारे फीचर्स हम जब ओपन स्पेस में यूज़ करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट एवरी फीचर हैज़ इट्स ओन प्रॉपर प्लेस. क्योंकि अगर हर एक फीचर उसकी सही जगह पे होगा, तभी वो लार्ज गार्डन यूनिटी में दिखेगा. फॉर एग्जांपल, दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स दैट फ्लावर बेड है, वेजिटेबल्स जो है उनको हमेशा ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है. अगर आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करना चाहते हो यूजुअली, तो उनको ब्राइट सनलाइट चाहिए. सनलाइट के बिना यू विल ऑलवेज नोटिस दैट फ्लावरिंग प्लांट्स विल नेवर ग्रो विदाउट सनलाइट, राइट. सो इफ यू वांट फ्लावर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नीड सनलाइट, दे गेट सनलाइट. सो व्हाट इफ़ यू प्लेस देम अंडर ट्रीज, अगर आप उनको ट्रीज के नीचे रख देंगे तो उन पर शेड आएगा, जिसकी वजह से फ्लावर्स ग्रो ही नहीं होंगे, राइट. सिमिलरली अ पूल विथ ओवर हैंगिंग ट्री, अगर आपने कोई पॉन्ड बनाया है गार्डन में जिसके ऊपर आपने साइड में ट्री ग्रो कर दिया है, अब वो ट्री के फॉलन लीव सब कुछ पूल पे गिर रहा है, तो वो एक मैसी लुक देगा, और जिसकी वजह से आपके गार्डन में यूनिटी का लुक नहीं आएगा. सो देयर शुड बी एन अपीयरेंस ऑफ एफर्टलेसनेस विच इज़ द साइन ऑफ सक्सेस. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो गार्डन है वो जब हम देखें तो ऐसा लगना चाहिए कि
इट इज़ वेरी सिंपल एंड ज़्यादा एफर्ट्स हमने डाले ही नहीं हैं, राइट? तो इट शुड लुक सो क्लीन एंड सिंपल दैट बिकम्स द साइन ऑफ योर सक्सेस. सो इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू ले डाउन एनी रूल्स. रूल्स कोई एज सच एग्जैक्ट रूल्स नहीं होते, बट इट इज़ जस्ट डेवलपिंग अ गुड आई, राइट? So, but there are some important points that we can remember, that is abrupt and steep changes of level in wall and edges should be avoided because that destroys the unity, right? So, for example, abrupt changes ho rahe hain wall ya edge mein. For example, mere garden mein maine ek jagah brick ka edge banaya hai. Ab brick ka edge jahan pe khatam ho raha hai, maine beech mein se flowering plants ka edge banana shuru kar diya. तो दैट इज़ एन एब्रप्ट चेंज. अब ऐसा एब्रप्ट चेंज कभी भी यूनिटी का लुक नहीं देगा. तो वी शुड नॉट मेक एब्रप्ट चेंजेस. लॉन इज़ द बेस्ट एसेट इन बाइंडिंग टुगेदर ऑल द पार्ट्स. जब भी यूनिटी का लुक देना हो तो लॉन जो होता है, राइट, आपका जो ग्रीन कारपेट है वो बेस्ट काम करता है सारे कॉम्पोनेंट्स को एक साथ बाइंड करने में. क्योंकि लॉन क्या करता है, क्योंकि वो पूरा ग्रीन कारपेट जैसा होता है, तो बाकी जो भी आपने ग्रीनरी यूज़ की है, ट्रीज यूज़ किया है, वो सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है. तो इमेजिन अगर बीच में लॉन ना हो तो आपका गार्डन कभी भी कंप्लीट नहीं दिखेगा, आपको यूनिटी का लुक ही नहीं मिलेगा. सो बट दो लॉन इज़ द बेस्ट एसेट, इट डज़ नॉट मीन टू बी मोनोटोनसली यूनिफॉर्म. उसका मतलब ये नहीं कि आपका गार्डन मोनोटोनसली यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट? सो ऐसा नहीं है कि लॉन अच्छा एसेट है तो मैं अपने गार्डन में सिर्फ लॉन रखूँ और कोई ट्रीज और प्लांट्स ना रखूँ, राइट? सो अदर कॉम्पोनेंट्स टुगेदर फॉर्म ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द गार्डन. तो गार्डन में लॉन के अलावा और भी कॉम्पोनेंट्स हमें ऐड करने हैं, फीचर्स ऐड करने हैं, बट वो सब एक साथ मिलके एक गार्डन का प्रॉपर डिज़ाइन बनाना चाहिए. सो हैजेज एंड फेंसेज इनसाइड द गार्डन विल कट द यूनिफॉर्मिटी. तो अगर आपने गार्डन के अंदर बीच में या फिर गार्डन के अंदर कहीं पे आपने हैज और फेंस बाउंड्री वगैरह यूज़ की है तो उससे यूनिटी का लुक नहीं आता. सो दिस शुड ओनली बी प्लेस्ड वेर एवर रिक्वायर्ड. तो अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं मुग़ल गार्डन में गए हो, तो मुग़ल गार्डन में क्या होता है, गार्डन के बीच में लाइक छोटी छोटी जगह कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं हेज की मदद से, राइट? तो दैट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटी ऑफ मुग़ल गार्डन, बट इन एवरी गार्डन द हेज इन बिटवीन विल नॉट लुक गुड, right? So that cuts the uniformity. Do not collect plant of every species you see, right? So there are some people who will collect every plant they know. उनके हाथ में जो plant आता है वो सब collect करके अपने garden में grow करने लगेंगे. That will never give a look of unity. You should always plant, जब भी कोई plant or tree ग्रो करना है गार्डन में, तो हमेशा एक जैसे प्लांट आप जब रखो तो वो हमेशा यूनिफॉर्म और एक जैसा लुक देता है, ना कि हर एक आपने फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह कैक्टस रख दिया, एक जगह मैंने कोई ट्रॉपिकल प्लांट रख दिया, एक जगह फ्लावरिंग प्लांट रख दिया, तो वो यूनिफॉर्मिटी का लुक नहीं देगा. कीप क्लीन लाइन्स एंड अवॉइड टू मैनी डिटेल्स एंड क्लटर. अभी कितनी बार हमें क्या होता है कि गार्डन में सब कुछ इंक्लूड करना है, हर तरह का फीचर डालना है, हर तरह के प्लांट डालने हैं, तो उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है, क्लटर क्रिएट होता है. सो दैट विल नॉट गिव क्लीन लुक. सो कीप द लाइंस क्लीन, बाउंड्रीज क्लीन, सो दैट इट लुक्स यूनिफॉर्म. सो बेसिकली वॉट वी वॉन्ट टू से इज दैट एवरी कॉम्पोनेंट should have strong relationship with space. आप जो भी component use करते हैं, जो भी garden feature use करते हैं, हर एक feature का अपने space के साथ relationship होना चाहिए. And
every feature should look like a part of the pattern that has other features. तो हर एक component दूसरे features के pattern का part लगना चाहिए, और हर एक ये जो भी pattern बना सब features की वजह से this should fit into total pattern of the garden. तो वो जो भी pattern है वो पूरे garden के pattern के साथ mix up हो जाना चाहिए, and that is when you will have unity. So as I told, just do not make any one feature more coming out. For example, आपने गार्डन में कोई फाउंटेन बहुत अच्छा बना दिया और लोग एंटर होकर ऐसा बोल रहे कि वाह ये तो कितना अच्छा फाउंटेन है, और आपका पूरा बाकी गार्डन तो कोई देख नहीं रहा है, गार्डन साइड में हो जा रहा है, राइट? सो दैट इज़ नॉट अ क्रेडिट फॉर योर गार्डन. सो डू नॉट मेक एनी वन फीचर सो इलेबोरेट. अगर आप एक फीचर पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब कि कोई एक फीचर को आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका हर एक फीचर उतना अच्छा हो, राइट? नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ अबाउट स्पेस. सो दूसरा प्रिंसिपल जो है वो स्पेस का है. सो स्पेस मीन्स वो जगह जहाँ पे हम गार्डन बनाने जा रहे हैं. तो अवर एफर्ट शुड बी टू मेक द स्पेस लुक एज बिग एज पॉसिबल. हो सके उतना बड़ा बड़ा दिखाओ आपके स्पेस को, भले वो बड़ा नहीं है. तो हमारा एफर्ट ऐसा होना चाहिए कि भले ही जगह छोटी हो, इट शुड लुक बिग, राइट? सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कैन कीप इन माइंड. कीप द मिडल क्लियर. आपके गार्डन का जो बीच का एरिया है उसको साफ रखो, राइट? वहाँ पे हर जगह बीच बीच में कुछ कुछ ग्रो मत करते रहो, अदरवाइज स्पेस छोटा दिखेगा. हैव क्लीन लाइन्स एंड कर्व्स. मतलब आपके गार्डन में जो भी बाउंड्री है, राइट, जो भी कर्व्स है वो सबको क्लीन रखो, डिफाइन करके रखो प्रॉपरली, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री कहीं पे कुछ और डायरेक्शन में जा रही है और कहीं पे मैसी लग रहा है. सो मेक योर लाइंस ऑफ द मेक योर बाउंड्री क्लीन. प्रून द लोअर ब्रांचेज ऑफ लार्ज ट्रीज. अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी बाउंड्री में बड़े बड़े ट्रीज लगाए हैं, तो उसके जो लोअर ब्रांचेज है उसको प्रून करके रखो, कट करके रखो. क्यों? क्योंकि ट्रीज के जब ब्रांचेस ग्रो होते हैं तो वो जगह लेते हैं, तो वो जितनी जगह लेगा तो उतना आपका गार्डन छोटा दिखेगा. सो जो भी नीचे के ब्रांचेस हैं उसको प्रून करके रखो ताकि आपका गार्डन जो है वो बड़ा दिखे. ले द गार्डन अप टू द बाउंड्री. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो लॉन है जहाँ पे आपकी बाउंड्री ख़त्म होती है एग्जैक्टली वहाँ तक आपका लॉन ले जाओ. वो बताता है कि आपका गार्डन का स्पेस जो है वो बड़ा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई लॉन रखा है हमने और ये बाउंड्री है, तो गार्डन का एरिया यहाँ तक आना चाहिए, आपका लॉन यहाँ तक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने लॉन यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो आपका जो गार्डन है वो ऑटोमेटिकली छोटा दिखेगा. तो जितना बड़ा दिखाना है तो लॉन को बाउंड्री तक ले जाओ, राइट? Use trees that have general appearance of being big but are not. तो ऐसे trees का use करो जिसका natural look जो है वो बड़ा है but वो इतने बड़े हैं नहीं, right? तो ऐसा tree use करने से क्या होगा कि वो tree actually में तो जगह कम ले रहा है पर वो बड़ा भी दिख रहा है. अगर आप बड़े tree use करेंगे तो वो जगह भी ज़्यादा लेगा तो आपका space कम दिखेगा. तो आप नेचुरली ऐसे ट्री यूज़ करो जो है छोटे, जगह कम ले रहा है बट वो बड़ा दिखता है, राइट? सो दैट विल टेक लेस स्पेस एंड दैट विल गिव मोर स्पेस टू योर गार्डन. नाउ इंग्लिश गार्डन्स आर वेल नोन फॉर स्पेशियसनेस. इंग्लिश गार्डन मतलब ऐसे गार्डन जो इंग्लैंड में बने हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम से जो गार्डन है, राइट? सो इंग्लैंड के जो गार्डन्स हैं उनको इंग्लिश गार्डन बोलते हैं मेनली. सो इंग्लिश गार्डन की पिक्युलैरिटी है कि वहाँ पे स्पेशियसनेस बहुत होता है. क्यों? बिकॉज देयर गार्डन्स हैव नो बाउंड्री. हम कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करते इंग्लिश गार्डन में, राइट? सो आप जैसे कि देख सकते हो दिस इज़ एन इंग्लिश गार्डन. सो दिस गार्डन इज़ नॉट हैविंग एनी बाउंड्री. यू कैन अंडरस्टैंड more about this in this picture.
तो यहाँ पे आप देखो जो गार्डन है वो पूरा ही ओपन है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, देर इज़ नो फेंस, देर इज़ नो हेज, नो एज, नथिंग। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज़ कॉल्ड हाहा और डिच। डिच मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक कैनल जैसा एरिया है, तो जो लॉन है उसका सारा पानी यहाँ पे जाता है और यहाँ से जो लॉन है उसका पानी यहाँ पे गिरता है, तो पानी जो है वो निकल जाता है यहाँ से और गार्डन ख़राब भी नहीं होता। एंड दिस ऑल्सो गिव्स, आप देख के पता लगा सकते हो कि गार्डन बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो यहाँ के इंग्लिश गार्डन्स जो होते हैं उसमें कभी भी बाउंड्री नहीं होती, राइट? तो बाउंड्री नहीं होगी तो वो बड़ा दिखेगा। बट अगर हमें बाउंड्री नहीं रखनी है तो दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आउटसाइड व्यू और सिक्योरिटी। सो दीज टू व्यूज़, दीज टू थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी कंसिडर टू हैव नो बाउंड्री इन आवर गार्डन। क्यों? आउटसाइड व्यू का क्या मतलब है कि मैं अगर अपना गार्डन ओपन रखती हूँ, बाउंड्री नहीं रखती, तो बाहर का व्यू कैसा है? क्या मेरे गार्डन के बाहर मुझे बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या कि हमारे गार्डन के बाहर माउंटेन दिख रहा है या तो हिल स्टेशन दिख रहा है? तो देन इट इज़ फाइन। बट इन इंडिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव आउटसाइड व्यू, बिकॉज़ इंडिया में क्या होता है, गार्डन के तुरंत बाहर कचरे का ढगला होता है, राइट? या तो कितनी बार कुछ एनिमल्स बैठे होते हैं, तो द व्यू इज़ नेवर गुड, राइट? सो इन इंडिया टू अचीव आउटसाइड व्यू गुड इज़ नॉट ईजी, एंड देयरफॉर दिस टू हैव नो बाउंड्री इन इंडिया इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। एंड द अनदर पॉइंट इज़ सिक्योरिटी। तो हम बेसिकली बाउंड्री क्यों रखते हैं? ताकि बाहर के लोग अंदर ना घुस जाए, राइट? एनिमल्स अंदर ना घुस जाए और एक सिक्योरिटी रहे, राइट? बट इंडिया में ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बाउंड्री नहीं रखेंगे तो इंडिया में वी नो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट दैट गुड, एनिमल्स आर ऑल्सो वैंडरिंग अराउंड, सो यू कैन नॉट कीप योर गार्डन ओपन इन इंडिया, राइट? बट इन इंग्लैंड एंड कंट्रीज लाइक दिस दे हैव स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, एंड देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कीप देयर बाउंड्रीज ओपन, राइट? सो दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली मिसिंग इन इंडिया। सो बेसिकली इन इंडिया वी कैन नॉट हैव ओपन गार्डन्स। नाउ द पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ स्पेस। तो स्पेस भले ही इतना बड़ा ना हो, पर हमको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि स्पेस बड़ा है। दिस इज़ इफ़ देर इज स्पेशियसनेस इन योर गार्डन, दैट इज़ सिनोनिमस टू रिलैक्सेशन, काम एंड पीसफुलनेस। अगर आपके गार्डन में स्पेशियसनेस है तो वो एक रिलैक्सेशन और काम और पीसफुलनेस का इफ़ेक्ट देता है। सो द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर स्पेशियसनेस इज़ क्लटर। आप जितना ज़्यादा चीज़ें घुसाने की कोशिश करोगे गार्डन में, उतना कम स्पेस दिखेगा। सो क्लटर इज़ द एनिमी ऑफ स्पेशियसनेस, बिकॉज दैट गिव्स रेस्टलेस डिटेल्स इन गार्डन। तो आपका गार्डन जो है वो रेस्टलेस दिखेगा, जिसकी वजह से स्पेशियसनेस नहीं आएगी। सो यू नीड टू हैव लॉन्ग क्लीन लाइन्स, क्लीन मिडल पार्ट, आपका बीच का पार्ट क्लियर रखो। एंड जो भी आप प्लांट्स यूज़ करते हो वो सबको बाउंड्री में ले जाओ, ना कि बीच में, हर जगह पे बीच बीच में गार्डन में आपने ट्री रख दिए, दैट विल नॉट लुक स्पेशियस। सो यू हैव टू कीप ऑल योर प्लांट्स मासिंग इन द बाउंड्री, मिडल क्लियर एंड क्लीन लाइन्स, दिस इज बेस्ट फॉर स्पेशियसनेस। सो मैनी फ्लावर बेड्स इन मिडल ऑफ प्लॉट, हैविंग मैनी कंपार्टमेंट्स, मैनी ट्रीज इन बिटवीन, हेट्रोजीनस कलेक्शन ऑफ प्लांट, ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर स्पेस। तो गार्डन में बहुत जगह पे छोटे छोटे फ्लावर बेड्स रख दिए, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना दिए हेज को यूज़ करके, बहुत सारे ट्रीज़ बीच में रख दिए, हर एक तरह का प्लांट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो ये सारे पॉइंट्स आपके गार्डन का स्पेस जो है वो रिड्यूस करेगा। स्पेस तो रिड्यूस करेगा ही, यूनिटी भी कम करेगा और एक डिस्टर्ब लुक देगा, राइट? सो दिस इज़ नेवर एडवाइजेबल टू डू, बिकॉज दिस विल रिड्यूस योर गार्डन प्रिंसिपल्स। सो इन जापानीज गार्डन, जापान में जो गार्डन होते हैं, दे
put efforts on reducing everything from the garden that does not pay for itself. जापानीज गार्डन में क्या होता है, हर एक चीज़ जो गार्डन में होने की जिसकी कोई वजह नहीं है उस चीज़ को गार्डन में से निकाल दिया जाता है, राइट. सो डू नॉट इंक्लूड एवरीथिंग इन द गार्डन, पुट एवरीथिंग क्लीन, मिडल क्लियर, क्लीन लाइंस, एवरीथिंग ऑन द बाउंड्री, सो दैट विल मेक योर गार्डन लुक मोर स्पेशियस. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट डिविजन्स, राइट. सो डिविजन मतलब कि आपका गार्डन का हर एक पार्ट जो है, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर. आपका जो पाथ है उसे गार्डन से अलग अलग एक सेपरेशन दिखना चाहिए, राइट. बाहर का एरिया जो है वो गार्डन से अलग दिखना चाहिए, तो उसके लिए डिविजन्स होते हैं. सो बेसिकली देर इज़ अ हार्ड डिविजन विच इज़ हेज और फेंस. आपका हेज या तो फेंस, यानी कि आपका जो भी बाहर आप बाउंड्री बनाते हैं उसको फेंस बोलते हैं. तो ये जो होता है वो हार्ड डिवीज़न होता है, जो हमारे आई लेवल पे होता है. तो यहाँ पे हम फ्लावरिंग क्लाइंबर्स, क्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये हेज है, ये हार्ड डिवीज़न है, गार्डन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. देन अनदर डिवीज़न इज सबटल स्पेस डिवाइडर. अब ये ऐसे डिवीज़न्स हैं जो गार्डन के अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड करते हैं. तो फ्लावर बॉर्डर यूज़ करा मैंने, एज यूज़ किया, या तो ब्रिक लाइंस या स्टोन्स को यूज़ किया. तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पाथ है उसको गार्डन से सेपरेट करते हैं. तो एजेस वगैरह जो है ये सबटल स्पेस डिवाइडर्स है, राइट. दिस इज़ एट ग्राउंड लेवल और ओवरहेड, राइट. सो दीज आर सबटल स्पेस डिवाइडर्स. अब ग्राउंड कवर जो है, ग्राउंड कवर जो है, फॉर एग्जांपल लॉन, पेवमेंट, ग्रेवल, स्टोन्स, दीज आल्सो फॉर्म द लाइन बिटवीन देम इज़ आल्सो डिवीज़न. तो लॉन, पेवमेंट, ग्रेवल, स्टोन्स के बीच में भी जो लाइन होता है वो हमारे लिए डिवीज़न है. फॉर एग्जांपल मेरा लॉन है, मैंने उसके बाजू में ग्रेवल या स्टोन का कुछ अरेंजमेंट किया है, पाथ है, दोनों के बीच का जो इमेजिनरी लाइन है वो भी हमारे लिए डिवीज़न है. Then flower beds, rockery define pattern and contribute to lines of garden. तो flower beds को भी हम edge की तरह use कर सकते हैं, rocks को भी use कर सकते हैं. तो ये सब एक pattern बनाता है और garden में एक division line बनाने में भी contribute करता है. Now the next very important garden principle is scale. So scale is the relationship of an object टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, यूजुअली द ह्यूमन बॉडी. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ, उसको बोलते हैं स्केल. हमारे केस में जो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है वो है ह्यूमन बॉडी. उसका रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या है, उसको स्केल बोलते हैं. सो स्केल इज़ मेनली यूज फॉर मैन मेड आइटम्स, जैसे कि फर्नीचर हो गया गार्डन में, कुछ सिटिंग एरिया हमने बनाया है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो स्केल है. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट ईच फीचर और एलिमेंट इन द गार्डन इज़ पार्ट ऑफ द होल. मतलब ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम गार्डन में जो भी फीचर डालते हैं, मैंने कुछ भी फर्नीचर डाला गार्डन में, तो वो एक गार्डन का पार्ट दिखना चाहिए, नहीं कि अलग से दिखना चाहिए कि नहीं ये तो गार्डन का हिस्सा नहीं है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. Garden elements such as benches, tables, arbors are most functional when they fit the human body. तो कहने का मतलब ये है कि आपका garden का scale ऐसा होना चाहिए कि आपके जितने भी elements आपने use किए हैं, benches, tables, arbors, जो भी बैठने की जगह है, वो ह्यूमन बॉडी को फिट होनी चाहिए. मतलब कि ह्यूमन बॉडी को कंफर्टेबल लगना चाहिए उस जगह पे. तो उसे कंफर्टेबल लगेगा तो ह्यूमन बॉडी फंक्शनल होगा, और दैट इज़ व्हाई स्केल इज़ इम्पॉर्टेंट. सो द ह्यूमन बॉडी शुड फील कंफर्टेबल, शुड फंक्शन बेटर एंड फील मोर सिक्योर इन अ गार्डन व्हेन साइज इज़ कंपैटिबल टू द ह्यूमन स्केल. तो जब आपके गार्डन के मैनमेड आइटम्स का जो साइज़ है वो
ह्यूमन स्केल के साथ कंपैटिबल होगा तभी ह्यूमन बॉडी को वहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा, उसे अच्छा लगेगा, सिक्योर फील होगा और वो वहाँ पे और बैठना चाहेगा और वहाँ पे बैठ के काम करना चाहेगा, राइट? सो ह्यूमन स्केल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, राइट? सो द एरिया शुड बी विजुअली एक्साइटिंग एंड फिजिकली कंफर्टेबल. आप किसी गार्डन में जाते हो और आपको वहाँ जाके रेस्टलेस फीलिंग आती है और आपको बैठने की इच्छा नहीं होती, तो समझ जाओ कि वो एरिया आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है. कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से आप वहाँ पे सही फील नहीं कर रहे हैं. मे बी स्केल मिसिंग है उस गार्डन डिज़ाइन में, शायद इसलिए आपको प्रॉपर फील नहीं हो रहा होगा. अब स्केल का मतलब ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, इन द फर्स्ट पिक्चर द हाउस लुक्स वेरी स्मॉल एंड द लैंडस्केप लुक्स वेरी बिग. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ है वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूज़ किए हैं और जो आपका आसपास में जो भी प्लांट्स यूज़ किए उसकी वजह से आपका घर पूरा ढक जा रहा है. तो द हाउस इज़ लुकिंग लाइक अ टॉय इन फ्रंट ऑफ अ वेरी लार्ज लैंडस्केप. नाउ दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. अनदर टाइप ऑफ पिक्चर शोज दैट द हाउस लुक्स बिग एंड ऑल योर अदर ट्रीज एंड ग्रीन पार्ट लुक्स वेरी स्मॉल. सो द लैंडस्केप लुक्स लाइक अ टॉय एंड द हाउस लुक्स वेरी बिग, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. नाउ इफ़ यू सी दिस पिक्चर यू कैन रियलाइज दैट दिस इज़ प्रॉपर प्रपोर्शन. ये प्रॉपर है, राइट? जो घर है वो भी ओके लग रहा है और जो भी ट्रीज और वो सब है प्रपोर्शन में लग रहे हैं, हमें लग रहा है देख के कि हाँ बराबर स्केल है, राइट? सो दिस इज लाइक ऑल्सो योर लैंडस्केप शुड नॉट बी वेरी बिग और योर लैंडस्केप शुड ऑल्सो नॉट बी वेरी स्मॉल. इट शुड बी इन प्रपोर्शन. सो प्रपोर्शन वर्ड एक्चुअली यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, स्केल वर्ड यूज़ होता है मैन मेड आइटम्स के लिए. तो प्रपोर्शन इज़ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन द गार्डन, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स. मतलब प्लांट्स का रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन, राइट? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्मॉल कैफे टेबल नेक्स्ट टू अ 60-foot इटालियन साइप्रस इज़ नॉट अ रेसिपी फॉर अ कोजी कॉर्नर, राइट? आपने गार्डन में एक छोटा सा कैफे टेबल रखा है और उसके पास में बहुत बड़ा इटालियन साइप्रस रख दिया है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्केल और प्रपोर्शन, राइट? वो कभी भी अच्छा लुक नहीं देगा. सो आइडियल सिचुएशन इज़ व्हेन द प्लांट्स आर रिलेटिव टू पीपल. प्लांट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे जो लोग आते हैं उससे, एग्जिस्टिंग प्लांट्स वहाँ पे जो है उनसे, और वहाँ पे जो घर है उसके साथ प्रॉपर प्रपोर्शन में लगना चाहिए. सो द साइज ऑफ अ गार्डन डिक्टेट्स स्केल ऑफ इट्स फीचर. तो आपके साइज, आपके गार्डन का साइज क्या है वो बताता है कि आपके फीचर का स्केल क्या होगा, ठीक है? तो अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप फीचर्स थोड़े बड़े यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका गार्डन बहुत छोटा है तो आप छोटे फीचर्स यूज़ करें, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द गार्डन फीचर्स यूज़ करें ताकि जो एरिया है वो प्रपोर्शन में लगे. नाउ देर आर सम जनरल मिस्टेक्स दैट इज ऑफन डन, दैट इज टू नैरो पाथ और वॉकवेज. मतलब चलने की जो जगह है उसको बहुत छोटा या तो बहुत नैरो रखते हैं. तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी जगह है लैंडस्केप की कंपैरिजन में. मैनी पाथ्स मीटिंग एंड क्रॉसिंग, मतलब बहुत सारे पाथ एक दूसरे को मिल रहे हैं इधर उधर से, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. ट्रीज विथ रॉकरी एट बेस लुक अगली. तो बहुत बड़ा ट्री है उसके नीचे आप रॉकरी बना देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता. स्मॉल फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड सिंगली इन द ओपन, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स छोटे छोटे यहाँ वहाँ ओपन में रख दो, दैट विल नॉट लुक गुड. हाउस ड्वार्फ्ड बाय लैंडस्केप और लैंडस्केप ड्वार्फ्ड बाय हाउस. सो अगर आपको जो हमने पहले पिक्चर देखा, फर्स्ट पिक्चर में क्या हुआ था, हाउस छोटा दिख रहा था लैंडस्केप से,
और सेकंड में क्या हो रहा था, लैंडस्केप छोटा दिख रहा था हाउस से। ये दोनों ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लैंडस्केपिंग में हो जाती है और ये नहीं होनी चाहिए अगर स्केल प्रॉपर हो तो। सो बेसिकली देर आर नो सेट रूल्स एज आई सेड, यू नीड टू डेवलप अ गुड आई। आपका जो देखने का तरीका है उसको डेवलप करो, ट्राई आउट ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स हम हमेशा ट्राई कर सकते हैं गार्डनिंग में एंड चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्पेस है तो यू कैन यूज लार्ज स्पीशीज, स्मॉल स्पेस है तो यू कैन यूज स्मॉल स्पीशीज। एंड इफ यू वॉन्ट एरिया वेर यू रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, मतलब आपको अपना गार्डन ऐसा चाहिए जहाँ पर मेंटेनेंस कम हो, तो आप कॉन्क्रीट एरिया ज़्यादा कर दो। तो उससे क्या होगा, मेंटेनेंस कम रहेगा, प्लांट्स कम होंगे, ध्यान कम रखना पड़ेगा और ड्राइविंग ईजी रहेगा। अगर हाई फुटवॉल है राइट, तो कवर इट विथ क्रीपर्स। अगर हाई फुटवॉल को कवर करना होता है तो यूजुअली ट्रीज प्लांट करते हैं, पर वो महंगा हो जाता है, तो आप फुटवॉल पे क्रीपर्स लगा दो तो उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। एंड मेक द मास लुक लेस हाई देन इट इज़। तो अगर आपके घर के आसपास आपका लैंडस्केप ऐसा है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो ट्री है वो जितना हाई है उसे उससे थोड़ा कम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्स है तो वॉल्स या ट्रीज है तो डिवाइड हॉरिजॉन्टली बाय ट्रैलीज। तो आप ट्री को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो, ट्रैलीज लगा दो और उसमें क्रीपर्स चढ़ा दो, तो आपका एरिया जो है वो कम हाई दिखेगा। टर्न अनमूवेबल आई सोर्स इंटू फोकल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो अनमूवेबल है, आप हिला नहीं सकते और वो देखने में अच्छा भी नहीं है, तो उसे कुछ फोकल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना दो। कुछ फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बड़ा ट्री है बट वो ड्राई आउट हो गया है, पर उसका ट्रंक वहाँ पे पड़ा है और वो बहुत हाई है, तो कुछ आप क्रिएटिविटी यूज़ करो, वहाँ पे कुछ लाइटिंग कर दो या तो कुछ कलर कर दो ताकि वो देखने में इंटरेस्टिंग हो जाए, राइट। नाउ द नेक्स्ट गार्डन प्रिंसिपल इज टाइम एंड लाइट। सो टाइम एंड लाइट मीन्स दैट दिस बेसिकली डील्स विद द मूविंग शैडो। मतलब टाइम एंड लाइट क्या है कि आपके गार्डन में कौन से टाइम पे कितनी लाइट आ रही है, राइट, उससे पता चलता है कि आपके गार्डन में शैडो कहाँ कहाँ जा रहा है, शैडो किस तरफ मूव हो रहा है। और इसको हमेशा गार्डन में कंसिडरेशन में लेते हैं क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर एस्थेटिक्स, मतलब देखने में भी अच्छा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल रीजंस से भी अच्छा होना चाहिए। सो बेसिकली तीन तरह के टाइम होते हैं, डेली टाइम, ईयरली सीजन्स एंड पासिंग ईयर्स। तो इस तरीके से तीन टाइप के टाइम हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं। सो डेली टाइम इज़ व्हेन इट इज़ द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। सो एक दिन में अलग अलग टाइम होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। हर टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, लाइट की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ लाइट इज़ देयर एंड देयरफॉर द डे लाइट आवर्स इज़ डिफरेंट, राइट। तो एक दिन में जितने भी 12 आवर्स है उसमें लाइट क्वांटिटी अलग अलग होती है। सो उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उनको मॉर्निंग सन बेस्ट होता है फ्लावरिंग के लिए, तो आप फ्लावरिंग प्लांट को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे मॉर्निंग सन आता है। तो आपको अपनी एरिया में देखना है कि जो सन है वो कहाँ पे, मॉर्निंग सन कहाँ पे फॉल करता है, मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे प्लांट करना चाहिए। एंड द प्रीटीएस्ट पार्ट ऑफ द गार्डन इज सूटेबल फॉर सिटिंग, सो शेड शुड बी अकॉर्डिंगली। अब आपका जो गार्डन का बेस्ट जगह है, जो देखने में बेस्ट है, वहाँ यूजुअली उस एरिया को सिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उस एरिया पे शेड आए इवनिंग में, लोग अक्सर बैठने आते हैं शाम को, तो उस एरिया में शेड आए उस बात का ध्यान रखते हुए सिटिंग एरिया अकॉर्डिंगली रखना चाहिए।
तो डेली टाइम को ध्यान में रख के हम सेटिंग्स कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स को ट्री के नीचे रख देंगे जहाँ पे शेड आता है और मॉर्निंग सन नहीं आ पा रहा, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो प्लांट प्लान योर डेली टाइम और उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को प्लांट करो। सेकेंड इज़ ईयरली सीजन्स, मतलब एक साल में कई सारे सीजन्स आते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, राइट। तो हर एक सीज़न का अपना टाइम होता है, अपना लाइट इंटेंसिटी होता है। सो वर्कआउट फॉर द बेस्ट पोजिशन फॉर सीजनल फ्लावर्स। अब सीजनल फ्लावर्स जो है उनको कौन सा सीज़न चाहिए अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करो, राइट। समर सीजनल फ्लावर्स अलग होंगे, विंटर सीजनल फ्लावर्स अलग होंगे। तो उसको आप कब, कहाँ, कौन सी जगह पे रख सकते हो वो आपको इस टाइम से पता चलेगा। मूवमेंट ऑफ द सन एंड लीफ शेडिंग शुड बी नोटेड। तो आपके सन का मूवमेंट क्या है और लीफ शेडिंग कब कहाँ हो रहा है वो नोट कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंगली फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज़ को प्लेस करना है। क्यों लीफ शेडिंग हमें क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रीज़ के अगर पत्ते जब कोई सीज़न में नीचे गिरते हैं, राइट, और आपने नीचे अगर फ्लावरिंग प्लांट रखा है तो क्या होगा, शेड तो आएगा ही आएगा और वो मैसी लुक भी देगा, ठीक है, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इनफ सनलाइट भी नहीं मिलेगी। तो ट्रीज़ जो लीफ शेडिंग ट्रीज़ हैं उनको दूर रखो, राइट, एंड अकॉर्डिंगली फ्लावरिंग प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ द पासिंग ईयर, मतलब टाइम पास होता रहता है, राइट। वी नो ईयर बाय ईयर टाइम गोज़, सो दैट इज़ व्हेन योर गार्डन मैच्योर्स, राइट। आपका गार्डन मैच्योर होता है क्योंकि पहले साल में आपने जैसा अपना गार्डन रखा होगा एग्जैक्टली वैसा दूसरे साल में नहीं होगा, तीसरे साल में फिर चेंज होगा, बिकॉज़ जो प्लांट्स है, जो लॉन है, सब कुछ जो भी आपने फीचर्स डाले हैं, लिविंग फीचर, वो सब ग्रो होता रहेगा, तो आपका गार्डन मैच्योर होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ शेड, द अपियरेंस ऑफ योर गार्डन। तो उसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से आपके गार्डन का अपियरेंस ओवरऑल चेंज होगा, क्योंकि आपने छोटा सा प्लांट रखा होगा वो बड़ा हो गया होगा, और क्योंकि वो बड़ा हो गया होगा तो उसका शेड एरिया भी चेंज होगा, शेडिंग भी उसकी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, राइट। सो पैटर्न ऑफ शेड विल ऑल्सो चेंज। सो दैट इज़ वाई देर आर कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स टू बी नीडेड, और इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स करें। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावरिंग प्लांट मैंने एक जगह पे रखा जहाँ पे पहले तो सनलाइट आता था, पर अब मैंने उसके पास जो श्रब रखा था वो श्रब अब बड़ा हो गया है, उसका शेड उस एरिया पे आता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हो रहे हैं ठीक से ग्रो। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उस फ्लावरिंग प्लांट, उस फ्लावरिंग एरिया को अब मुझे चेंज करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट आती है। सो कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज नीडेड, एंड वी ऑल्सो नीड टू रिमूव सर्टन प्लांट्स। टाइम के साथ कुछ प्लांट एज हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं, तो उनको कुछ एरियाज से रिमूव करके निकाल देना पड़ता है, राइट। सो दिस देयरफॉर टाइम एंड लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ट्रीज़ आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन इन इंडिया देन एनुअल्स। एनुअल्स से इंडिया में ट्रीज़ हमेशा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, बहुत वार्म एनवायरनमेंट होता है, तो हर फ्लावरिंग प्लांट्स हमेशा ग्रो नहीं हो सकते। सीजनल फ्लावर्स जो होते हैं वो शायद विंटर में ग्रो होते हैं बट समर में ग्रो नहीं कर पाते, तो ट्रीज़ आर ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन इन इंडिया। एंड अ गार्डन इज़ नेवर फिनिश्ड। आप कोई भी गार्डन डिज़ाइन कर लो, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो कभी भी फिनिश नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव अ लुक ऑफ टाइमलेसनेस एज इफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग। तो आपको अपने गार्डन को ऐसा लुक देना है जैसे वो बहुत पहले से है, राइट। उसको एक टाइमलेसनेस का लुक देना है, ऐसा नहीं कि आपका गार्डन टेम्पररी है, ठीक है। सो यू शुड गिव अ लुक ऑफ एटर्निटी टू योर गार्डन। ओनली सीजनल चेंजेस शुड बी देयर, मतलब सीजनल चेंजेस आप करो तो चलता है, बट देयर शुड बी नेवर कम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट कर देते हो लिविंग मटीरियल का,
फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री आपने आपके गार्डन में है और आप उसको पूरी तरह निकाल देते हो, तो आपका गार्डन जो है इट गिव्स अ लुक ऑफ रेस्टलेसनेस एंड टेम्पररी गार्डन. सो इफ़ यू हैव सो मेनी चेंजिंग आइडियाज़ एंड इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग एवरी चेंजिंग आइडिया राइट इन योर गार्डन विल लुक टेम्पररी. सो लिविंग मटीरियल कभी भी पूरी तरह डिस्प्लेस मत करो, चेंज मत करो. सीजनल चेंजेस आर ओके बट दिस शुड नॉट बी डन, अदरवाइज योर गार्डन विल लुक टेम्पररी. लाइट हैव स्पेशल इम्पॉर्टेंस. लाइट जो है उसका एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है राइट. सो लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट. सो वी नो दैट लाइट हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही लाइट प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और बिकॉज इफ लाइफ लाइट वुड नॉट बी देयर देन लाइफ वुड बी डिफ़िकल्ट. सर्टन प्लांट्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी, रात की रानी, दे रिक्वायर स्पेसिफिक लाइट टाइमिंग. अब आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स यूज़ करने हैं, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी हैव ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स राइट, बट दे रिक्वायर मॉर्निंग लाइट, सो यू हैव टू प्लेस द प्लांट अकॉर्डिंगली. रात की रानी इट रिक्वायर्स लाइक मून लाइट, तो यू हैव टू प्लेस द प्लांट अकॉर्डिंगली. सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गार्डन प्रिंसिपल इज शेड. सो इन इंडिया एज आई टोल्ड ट्रीज़ कैन नॉट बी केप्ट आउट. इंडिया में हम कभी भी ट्री को ओवरलुक नहीं कर सकते बिकॉज ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स शेड एंड कूलनेस. एंड इन इंडिया वी हैव अ क्लाइमेट वैन वेर वी कैन ऑलवेज ग्रो ट्रीज, सो वी हैव टू यूटिलाइज ट्रीज एट इट्स बेस्ट राइट. तो हमारे पास जो भी ट्री है हमें उसका बेस्ट लेकर आना है. बिकॉज ट्रीज हैव थिक फोलिएज दे गिव प्रोटेक्शन. उनका थिक फोलिएज होता है, ग्रीनरी होता है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन भी क्रिएट करता है ट्रीज राइट. इट क्रिएट्स अ बाउंड्री, अ प्राइवेसी. सो इफ़ वी यूज़ अ ट्री विथ लाइट फोलिएज, अगर हम कोई ऐसा ट्री यूज़ करें जिसका फोलिएज जो है वो लाइट है, मतलब हल्का है राइट, तो दैट विल गिव बेस्ट पैटर्न ऑन द ग्राउंड. तो वो ग्राउंड पे बहुत अच्छा शेड का पैटर्न देगा. इवन स्ट्रॉन्ग मून्स कैन पेनिट्रेट थ्रू इट. तो अगर जैसे कि फुल मून नाइट है राइट, अगर फुल मून नाइट है तो क्या होगा कि मून का लाइट जो है वो भी उस ट्री में से पेनिट्रेट कर सकता है अगर लाइट फोलिएज है तो, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इफ बिकम्स लीफलेस, अगर शेड अगर जो ट्री है वो लीफलेस है राइट, तो लीफलेस ट्री जो है दैट विल गिव इंट्रिकेट लाइन ऑफ ब्रांचेस. वो इंट्रिकेट लाइंस क्रिएट करेगा ग्राउंड पे विच विल गिव पैटर्न ऑफ स्पोक्स अराउंड द ट्रंक. नाउ सी दिस इज़ ऑल्सो गुड. अगर आपका ये लाइट फोलिएज वाला ट्री में लीफ सब चले गए हैं कोई सीजन में तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे भी इंट्रिकेट लाइंस बनेंगे एंड जिसकी वजह से ट्रंक के आसपास एक स्पोक का पैटर्न क्रिएट होगा विच विल ऑल्सो बी गुड. ग्रास इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू शेड. अब आप ग्रेवल यूज़ करो, स्टोन यूज़ करो, या तो फिर कोई बैरन एरिया पे शेड पड़े, उससे ज़्यादा ग्रास पे जब शेड पड़ता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. सो देयरफॉर इट इज़ सेड दैट ग्रास इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू शेड. अक्रॉस पाथ्स यूज स्ट्रेट टॉल ट्रीज, शेड बार्स एनरिच द डल पाथ. अगर आपका कोई पाथ है उसके दोनों तरफ आप स्ट्रेट टॉल ट्रीज यूज़ करते हो, जैसे कि यूकेलिप्टस का ट्री, तो इट विल गिव शेड बार्स राइट, एंड दिस शेड बार्स विल एनरिच द डल पाथ. तो आपका जो डल पाथ था उस पे बार्स जैसे शेड आएंगे जो बहुत अच्छा लगेगा और आपका डल पाथ जो है वो रिच हो जाएगा राइट. सो यू कैन ऑलवेज यूज ट्रीज एज एन एसेट फॉर शेड. देन अगर आपके ट्रीज़ की वजह से किसी जगह पे शेड बहुत आ रहा है तो यू कैन यूज़ स्कियोफाइट्स. नाउ व्हाट आर स्कियोफाइट्स? दीज आर प्लांट्स दैट लव शेड. सो ऐसे शेड में आप ऐसे स्कियोफाइट्स जैसे प्लांट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिगोनिया, फर्न्स, कैलेडियम
right? So these plants will take shade, right? And they will grow very profusely, right? So this is basically Caladium. ये shade में grow कर सकता. I think ferns you all know, so I have not kept the pictures. This is Caladium. So like this, if shade falls over the grass, it always looks good, right? The next feature is of texture. So texture refers to the tactile feel or surface of an object. हम जब कोई shop में जाते हैं, कोई कपड़े को touch करते हैं, तो what are we seeing? The feel of the cloth, कि इसका texture कैसा है, इसका feel कैसा है. So that is texture. But for us in garden, texture refers to the overall presence of the plant. तो हम जब garden में texture देखते हैं, तो हमारे लिए texture क्या है? प्लांट का ओवरऑल प्रेजेंस. क्योंकि हमारे लिए गार्डन में टेक्सचर कौन प्रोवाइड करेगा? प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे. प्लांट्स गार्डन के टेक्सचर को डिफाइन करते हैं, राइट? तो सो वी कैन यूज कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी इफेक्ट्स इन गार्डन. इट विल क्रिएट डिज़ायर्ड इफेक्ट. सो बहुत सारे अलग टाइप के हम कॉम्पोजिशंस ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलता है. सो थ्री अपेरेंट लेवल्स आर देयर फॉर टेक्सचर. ग्राउंड लेवल, आई लेवल एंड ओवरहेड. तीन लेवल्स पे गार्डन में टेक्सचर क्रिएट हो सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे, आई लेवल पे और ओवरहेड लेवल पे. सो जब हम ग्राउंड कवर के लिए ग्राउंड लेवल पे टेक्सचर यूज़ करते हैं, तो वी कैन यूज़ कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर्स, मतलब कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं. सो जैसे ग्राउंड पे ग्रास होता है, तो ग्रास के साथ वी कैन यूज़ पेबल्स और ग्रेवल. दिस विल गिव टेक्स्चर एंड दोनों की ब्यूटी उठ के आएगी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टोन यूज़ किया है, बीच में ग्रास यूज़ किया है, यहाँ पे भी स्टोन्स यूज़ किए हैं, ग्रास यूज़ किया है, तो दिस इज़ प्रोवाइडिंग अ टेक्स्चर. ब्यूटी ऑफ अ गार्डन फ्लोर डिपेंड्स अपॉन हाउ फाइन द टेक्स्चर्स ब्लेंड विथ ईच अदर. तो आपके गार्डन फ्लोर की ब्यूटी तब उठ कर आती है जब दोनों टेक्सचर्स एक दूसरे से कितने अच्छे से ब्लेंड या मर्ज हो जाते हैं. सो यूजुअली इट शुड बी मोज़ैक ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स. अलग अलग टेक्सचर्स का मोज़ैक हम यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड पे. ग्राउंड कवर शुड नॉट डोमिनेट द सीन. पर आपका ग्राउंड जो है वो पूरे गार्डन को डोमिनेट नहीं कर जाना चाहिए. टेक्सचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे गार्डन को डोमिनेट कर रहा है. इट शुड बी समथिंग दैट मिक्सेज अप and should give a nice background. Then eye level texture, here we take into account the overall texture of the entire tree or shrub. Pura tree or shrub jo bhi hai wo hamare eye level pe hota hai, to uska overall texture hum eye level pe gain sakte hain. So tree or shrub ka line, thickness, color of the bark, branching of the trunk, feel of the bark can be used for eye level texture, because every tree has a different texture. हर एक tree का texture अलग होता है. No two have the same texture. कोई भी दो tree का texture same नहीं होता. Bark हर एक tree का अलग होता है, अगर आपने notice किया हो तो. Leaves अलग होते हैं, तो अलग ही texture हर एक tree create कर सकता है, और वो सब हम consideration में ले सकते हैं. Consider effect of a plant when placed in isolation or when together. So, अगर आपको texture के बारे में पता लगाना हो किसी भी plant का, तो आप क्या करो, उस plant को एक बार अलग plant करके देखो, और ये देखो कि group में वो कैसा लगता है. तो group में क्या उसका texture अच्छा लगता है, या फिर isolation में अच्छा लगता है, तो in that way you can identify the texture of the plant. So as I told, bark can be used to give texture. This is bark of a birch tree and this is bark of a common tree, right? So every bark has different texture. Cactus can give hard textures. Cactus क्योंकि hard होते हैं, तो वो hard texture देता है. पर ये कोई भी garden में merge होना difficult होता है, unless and until कि आप garden को ऐसा बनाते हो कि वो पूरा cactus से बना हुआ garden है. So this is a cactus. It also provides a texture, but this is a hard texture. Now blurred indistinct effects merge happily with each other. इसका मतलब ये है कि अगर हम दूर से
जब कोई गार्डन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें दूर से ब्लर दिखता है, ट्रीज़ बहुत सारे हैं, हमें दूर से ब्लर दिखते हैं, इनडिस्टिंक्ट दिखता है, पर वो हमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप है। तो ब्लर्ड इफ़ेक्ट्स आर ऑल्सो गुड, इट मर्जेस हैप्पीली। नाउ वी कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैजुरीना विच हैज़ लाइट अपियरेंस विथ स्ट्रॉन्ग डेफिनाइट अपियरेंस ट्रीज लाइक एरिथ्रीना। दो तरह के ट्री को हम मिक्स भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये कैजुरीना ट्री है, आपने लाइक बीच पे कहीं पे गए होंगे तो देखा होगा, इसके निडल जैसे लीव्स होते हैं, राइट, इसका अपियरेंस लाइट होता है। और ये जो है ये एरिथ्रीना है, एरिथ्रीना इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अपियरेंस। तो इस तरह के दो तरह के ट्री आसपास में रख के भी हम टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। केयरफुली क्लिप्ड हेजेस ऑफ फोलिएज एंड फ्लावरिंग प्लांट गिव गुड टेक्सचर। सो हेज के जो फोलिएज होते हैं वो भी अच्छा टेक्सचर देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी अच्छा टेक्सचर देते हैं, तो वी कैन ऑलवेज ट्राई कॉम्बिनेशंस। नाउ सम बार्क्स हैव स्पेशल टेक्सचर्स। तो कुछ बार्क जो होते हैं, कुछ ट्री के बार्क, उनका टेक्सचर बहुत स्पेशल होता है, तो इट इज़ ऑलवेज वर्थ कीपिंग। पर कुछ बार्क अनइंटरेस्टिंग होते हैं, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो वी कैन कवर इट विथ क्रीपर्स फॉर टेक्सचर। तो इट कुड बी कवर्ड विथ क्रीपर्स फॉर टेक्सचर। तो उस बार्क को आप क्रीपर्स से कवर कर दो तो वो अच्छा भी लगेगा और क्रीपर्स की वजह से टेक्सचर भी आएगा। एंड वी कैन यूज़ सम स्पेशल काइंड ऑफ प्लांटिंग्स दैट वुड चेंज द अपियरेंस ऑफ ऑर्डिनरी ट्रंक। अगर कोई ट्री ऐसा है जिसका ट्रंक ऑर्डिनरी है तो आप उसके आसपास स्पेशल टाइप ऑफ प्लांटिंग कर दो। फॉर एग्जांपल लिली का ग्रुप ग्रो कर दो, तो लिली को ग्रो करने से क्या होगा कि लिली के लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ग्रीन डार्क, राइट, एंड बीच में वाइट फ्लावर्स आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है। तो लाइक दैट वी कैन मेक एन ऑर्डिनरी ट्रंक अपियर गुड, राइट। गार्डन फर्नीचर ऑल्सो एड्स अप टू द टेक्सचर। अब आप गार्डन में जो फर्नीचर यूज़ करते हैं, बेंचेस, टेबल्स वगैरह, वो सब भी टेक्सचर को ऐड करता है। स्पेशली अगर वो मटेरियल वुड या स्टोन का है तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है गार्डन में। सो दिस इज़ अबाउट टेक्सचर एट आई लेवल। नाउ वी हैव ओवरहेड टेक्सचर ऑल्सो। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर का पार्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है वो। तो बड़े ट्रीज़ का क्या होता है, जितना बड़ा होता है उसका ऊपर उतना कैनोपी स्प्रेड होता है, उसकी ग्रीनरी ऊपर स्प्रेड होती है। सो लार्ज ट्रीज कैनोपी स्टैम्प्ड अगेंस्ट द स्काई गिव्स बेस्ट लुक। अगर लार्ज ट्रीज़ है तो उसकी कैनोपी जो है वो स्काई के अगेंस्ट बेस्ट लुक देती है, राइट। तो दैट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। देन कलर ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, ट्रीज ऐसे यूज़ करो जिसमें ब्राइट फ्लावर्स आते हैं ऊपर, राइट। तो वो ब्लू कलर का जो स्काई है उसके अगेंस्ट में बेस्ट दिखता है। द फीचर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैन बी यूज अगेंस्ट स्काई। तो हम क्या कर सकते हैं टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, आपका स्काई ब्लू है, उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कुछ ट्री यूज करो कि वो जो ट्री का लुक है वो एनहांस हो जाए और टेक्सचर आए, राइट। तो ब्लू बैकग्राउंड के पास कॉन्ट्रास्ट में ग्रीनरी और ब्राइट फ्लावर्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्काई इज ऑलवेज देयर, स्काई तो हमेशा है, बट अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो टेक्सचर की, तो हम उससे बहुत अच्छा टेक्सचर गार्डन में क्रिएट कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड दिस इज कैनोपी ऑफ अ ट्री अगेंस्ट द स्काई, दिस लुक्स लाइक अ स्टैम्प, राइट, एंड दीज आर द ब्राइट फ्लावर्स अगेंस्ट द स्काई। आई थिंक ये चीज़ जो है, आई थिंक फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सो दे कैन रिलेट द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज अबाउट ओवर हेड टेक्सचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ गार्डन प्रिंसिपल विच इज स्टोन एंड कलर, राइट। सो By tone and color we mean that adding up colors to the garden. हमारा garden सिर्फ green रहे, उसकी जगह हम थोड़े colors add करें garden में, तो it is always good.
So here comes the use of colors with the help of flowers, leaves or anything that can enhance the beauty of the garden. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो garden में color लाने की लाने में help कर सकता है उसको हम garden में coloring के लिए use कर सकते हैं. Flowering trees, shrubs and annuals can be used. So color के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्लावरिंग ट्रीज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग श्रब्स यूज़ कर सकते हैं, एनुअल्स यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब इंडियन फ्लावरिंग ट्रीज़ है वो मेनली दो कैटेगरीज़ की होती है. एक होता है रेड फ्लावर्स वाले और एक होता है सॉफ्ट कलर्ड वाले, राइट? तो रेड फ्लावर्स में हमारे जो ट्रीज़ आ जाते हैं वो है गुलमोहर, बॉम्बेक्स, एरिथ्रिनास, पैथोडिया, स्टर्क्यूला, टूलिप, ऑल दीज आर रेड फ्लावर ट्रीज़. And soft colored ones are those that have light colored flower. For example, pink cassia, jacarandas, bauhinias, lagerostomia, trees with yellow and white blooms. Right? So वो सारे trees जिनके flowers light color के हैं वो soft colored में आ जाएंगे. तो इस तरीके से दो तरह के Indian flowering trees होते हैं. So this is like red ones, the gulmohar, and this is jacaranda. Right? This is soft colored. So, but if we want to create a garden with red and light colored trees together, that is practically difficult because there comes fluctuation in flowering time. तो अगर मुझे एक ऐसा garden बनाना है जहाँ पे red and light color के trees मुझे mix up करने हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि red dark और light color के जो फ्लावरिंग ट्रीज़ होते हैं उनका फ्लावरिंग टाइम अक्सर अलग होता है, तो आप दोनों कलर्स को एक साथ नहीं बता सकते. एंड इफ़ यू यूज़ टू मैनी कलर्स, द टर्म दैट इज़ यूज इज़ रायट ऑफ कलर्स. अगर आप बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं, एनी हाउ एट द एंड योर गार्डन इज़ गोइंग टू रिटर्न टू परमानेंट ग्रीन्स एंड ब्राउन्स. एट द एंड ऑफ द डे आपका गार्डन जो है सीजन के बाद तो ग्रीन और ब्राउन में ही कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि फ्लावर्स तो थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, राइट? बट अल्टीमेट जो कलर रह जाता है वो होता है ग्रीनरी, राइट? और जो फॉलन लीव्स की वजह से ब्राउन्स होते हैं, बार्क की वजह से ब्राउन्स होता है, तो अल्टीमेट कलर तो आपके गार्डन का ग्रीन्स एंड ब्राउन्स ही रहने वाला है. तो बहुत राइट्स ऑफ कलर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं. एंड परमानेंट ग्रीन्स आर लाइक लास्टिंग बैकग्राउंड. ग्रीनरी तो गार्डन का लास्टिंग बैकग्राउंड है, वो हमेशा रहने ही वाला है और वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावरिंग वंस आर लाइक ज्वेल्स ओवर इट. तो जो फ्लावरिंग प्लांट है वो ग्रीनरी के ऊपर ज्वेल की तरह दिखता है. सो दिस इज़ लाइक एन आर्टिस्ट्स इमेजिनेशन, राइट? आई थिंक जो पेंटिंग करते होंगे, जो ड्राॅइंग में जिनको इंटरेस्ट है, वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक बैकग्राउंड, ग्रीन बैकग्राउंड के पीछे फ्लावर्स जो है वो उठ कर आते हैं, ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बिकॉज ग्रीन्स गिव द ब्राइट फ्लावर्स द ड्यू रिस्पेक्ट. क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड है तो ब्राइट फ्लावर्स को उनका रिस्पेक्ट मिलता है, वो अच्छे से दिखते हैं, राइट? मिक्सिंग ऑफ डोमिनेंट कलर्स विथ सब्सिडरी कलर्स. कलर अगर हमें गार्डन में क्रिएट करना हो तो हम डोमिनेंट कलर्स को सब्सिडरी कलर्स के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो लुक गुड. नाउ लार्ज मासेज ऑफ सिंगल कलर्स आर बेटर देन अनथिंकिंग मिक्सिंग. अनथिंकिंग कुछ भी कलर के फ्लावर्स मिक्स कर दो, उसकी जगह बेटर है कि सिंगल टाइप के फ्लावर कलर्स जो है वो मास में रखें. एनुअल बेड्स आर बेस्ट प्लेस टू प्ले विथ. तो अगर आपको अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के साथ खेलना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो आप वो एक्सपेरिमेंट एनुअल बेड्स में कर सकते हैं. सो इफ़ यू सी दिस इज़ लाइक अ फ्लावर बेड ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट फ्लावर बेड्स में कर सकते हैं, बट लॉन में कहीं पे भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या है, मिक्सअप लगेगा तो भी अच्छा लगेगा. नाउ शेड टॉलरेंट ग्राउंड क्रीपर्स कैन बी यूज्ड. तो क्रीपर्स हम यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड में अगर हमें कलर चाहिए तो वो टेक्सचर भी अच्छा देता है और कलर भी अच्छा देता है. शेड टॉलरेंट क्रीपर्स हम यूज़ कर सकते हैं. देन बेस्ट ब्लेंडर्स आर कलर्ड ग्रासेस. अगर आपको आप कलर्ड ग्रासेस यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है पूरे लॉन में और अच्छा कलर देता है और टेक्सचर भी देगा. क्रोटॉन्स
do not easily merge in landscape. These are pot plants but can be used for color. Sometimes crotons जो है वो actually ये जो है these are crotons, these are colored leaves plant, right? तो इनका leaf जो है वो colored होता है. तो crotons जो है they do not easily merge, right? ये usually pot plants होते हैं पर कहीं कहीं पे हम इनको कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं. और कैलेडियम एंड कोलियस जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. कैलेडियम आई थिंक शेड वाले स्कियोफाइट्स में मैंने बताया था. कोलियस जो बहुत सारे लीफी कलर्ड अलग अलग कलर के लीफ वाले प्लांट आते हैं, कोलियस भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो दिस गिव्स कलर्ड फोलियज प्रोवाइडिंग कलर टू द गार्डन. अब जो मैंने शेड टॉलरेंट क्रीपर्स की बात की थी उसमें आता है ये है क्रीपिंग डेजी येलो कलर का. आपने बहुत जगह देखा होगा ये पूरा ग्राउंड कवर कर देता है और बहुत छोटे छोटे अच्छे फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के. सो दिस गिव्स गुड टेक्सचर आल्सो एंड इट गिव्स कलर टू द ग्राउंड आल्सो. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज अबाउट मूवमेंट. तो मूमेंट हमको ये बताता है कि लाइफ एग्जिस्ट करता है, राइट? सो दिस गिव्स अस एन अवेयरनेस एंड अप्रिशिएशन ऑफ ग्रोथ एंड रीबर्थ. ये हमें ये बताता है कि लाइफ ग्रोथ चलती रहती है, रीबर्थ होता रहता है, राइट? तो एक फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, एक फीलिंग ऑफ अलाइवनेस इज गिवन बाय मूमेंट. सो मेक गार्डन इंटरेस्टिंग एंड अलाइव बाय एडिंग मूमेंट्स. अगर आप मूमेंट्स ऐड करते हैं तो आपका गार्डन इंटरेस्टिंग और अलाइव बनता है, राइट? सो ऑलवेज ऐड सम मूमेंट टू योर गार्डन. सो दैट कैन बी डन बाय सीजनल रोटेशंस ऑफ फ्लावर. अगर आप अपने गार्डन में सीजनल प्लांट्स का रोटेशन करते रहते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मूमेंट. आप चेंजेस ला रहे हो अपने गार्डन में. देन देयर कुड बी सबटल मूमेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज हुज लीव्स आर येल्लो ग्रीन. ऐसे ट्रीज़ हम यूज़ करते हैं जिसका लीव्स येल्लो ग्रीन है, राइट? तो वो जब मूव करता है तो एक अच्छा मूवमेंट लगता है. और आप कुछ ऐसे ट्रीज़ यूज़ करो जिसका विंटर में पत्ते गिर जाते हैं, राइट? तो वो जो ब्राउन पत्ते होते हैं वो नीचे गिर के दे स्टार्ट मूविंग, राइट? बिकॉज ऑफ विंड. दैट ऑल्सो गिव्स मूवमेंट. सो दैट इज़ सबटल मूवमेंट. Then flowing water and fountains can be used for movement. Sprinkler in the lawn can be used. आप lawn में थोड़ी देर के लिए watering करने के लिए sprinkler use कर दो, वो भी movement देता है. Flight and motion birds can be used for movement. So अगर आपको birds चाहिए तो आप कुछ ऐसे trees रखो जो birds को attract करते हैं, जैसे कि erythrina, silk, cotton, ये सब birds को attract करते हैं. स्मॉलर बर्ड्स होते हैं तो उनको कुछ खाने की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ट्रीज़ में जाते हैं. तो बेरी ट्रीज़ जैसे कि आप यूज़ करो. अगर आप अपने गार्डन में लैंटेना जैसे प्लांट्स यूज़ करते हैं तो वो बटरफ्लाई का क्लाउड इनवाइट करेगा, तो दिस विल ऑल्सो गिव मूवमेंट. बटरफ्लाइज आर बेस्ट मूवमेंट इन द गार्डन. देन इफ़ यू यूज़ पूल ऑफ वाटर, अगर आपके गार्डन में कोई पॉन्ड आपने यूज़ किया है, तो दैट विल इन्वाइट फ्रॉग्स, मशरूम्स, ऑर्किड्स, फिशेस. तो ये सब जो क्रीचर्स हैं वो मूवमेंट देते हैं गार्डन में. और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस शोज अस दैट लाइफ डज एग्जिस्ट, राइट? कमिंग टू द लास्ट फीचर, दैट इज़ अबाउट स्टाइल. सो स्टाइल बेसिकली सेज दैट देर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ गार्डन अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे टाइप के गार्डन हैं, जैसे कि पर्सियन स्टाइल, जापानीज स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल ऑफ गार्डन, बुद्धिस्ट गार्डन, मुगल गार्डन, राइट? सो ऑल ऑफ दिस हैव समथिंग यूनिक इन देयर स्टाइल. ऑल ऑफ दिस हैव देयर ओन टिपिकल स्टाइल. ये सब गार्डन में कुछ यूनिक है जो हर गार्डन से अलग है. तो हमें हमारा गार्डन जो बनाना है वो किस टाइप का बनाना है? पर्शियन जैसा बनाना है, जापानीज जैसा बनाना है, इंग्लिश गार्डन बनाना है, बुद्धिस्ट गार्डन बनाना है? तो वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का स्टाइल, वहाँ पे किस टाइप का गार्डन स्टाइल सूट करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक द स्टाइल ऑफ गार्डन. सो ताजमहल इज़ नोन फॉर लाइक मुगल गार्डन. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल.
देन दिस इज़ अ जापानीज गार्डन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेन गार्डन, दिस इज़ इंग्लिश गार्डन. हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंग्लिश गार्डन जो होते हैं बाउंड्री के बिना के होते हैं. सो स्टाइल इज़ लाइक वॉट टाइप ऑफ गार्डन यू वॉन्ट टू मेक, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डीप राइट नाउ बिकॉज टाइप्स ऑफ गार्डन का हमारा अलग से टॉपिक है. हम बुद्धिस्ट गार्डन, मुगल गार्डन, इंग्लिश गार्डन, जापानीज गार्डन ये सब पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी. सो फॉर गार्डन प्रिंसिपल्स यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ गार्डन दैट कैन बी दैट इज़ देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत सारी जगह पर इस टाइप के गार्डन्स हैं एंड दे हैव देयर ओन यूनिक फीचर राइट. सो लैंडस्केप का भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी जगह पे हम गार्डन बना रहे हैं, कौन से एरिया में बना रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, उसके बेसिस पे ही आप स्टाइल का उस टाइप का गार्डन बना सकते हैं क्योंकि हर एक गार्डन के प्लांट की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है. तो आपके एरिया में वो प्लांट सूट कर सकता है कि नहीं वो सब देख कर आपको वहाँ पर गार्डन बनाना है राइट. सो दिस इज़ इट फॉर नाउ. So with this we come to the end of the topic. Agar kuch bhi doubt hai, you can ask me. I will clear it for you. Right? Thank you.